हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे चैनल यारहन गुप्ता डीएनए क्लासेस में। और बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर लेके आ गए हैं हम। और इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल पोटेंशियल के बारे में, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, सेल पोटेंशियल क्या होता है, इस छोटी छोटी बातें हम लोग आज जानेंगे। स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप पिछले के जो लेक्चर्स नहीं देख पाए हो तो आप पहले उसको देख लो, तभी आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर आप वो दोनों लेक्चर नहीं देखोगे ना तो आपकी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कॉन्सेप्ट आपको रटने पड़ जाएंगे, ठीक है। अगर आप दोनों लेक्चर देख लेते हो तो आपको बड़ा इजी लगेगा ये भी लेक्चर। तो आप क्रमबद्ध तरीके से देखा करो हमेशा लेक्चर, ऐसे नहीं कि वन के बाद हम डायरेक्ट जंप कर गए थ्री पे, ठीक है ना। वन देखो, टू देखो, थ्री देखो, मतलब एक क्रम से देखो, ठीक है ना। एक सीरियल में देखो तो आपको मजा आएगा काफी। इसलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो लेक्चर है बच्चों वो है सेल पोटेंशियल। तो बच्चों आपको एक बात समझानी है सबसे पहले। मान लो हम कोई एक इलेक्ट्रोड लेते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया और इस बॉक्स में हमने एक मान लो यहाँ पे हमने मान लो एक रॉड बना दिया। अब आपको ये बात हम पहले बता चुके थे कि रॉड हम लोग जिस मेटल का लेते हैं उसी मेटल का यहाँ पे आयन लेना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे हम मेटल आयन लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पे? मेटल आयन। तो जैसे मान लो यहाँ पे हमने मेटल आयन लिया, यहां हमने मेटल आयन लिया, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं एम प्लस, ठीक है ना। उसके साथ हम कोई भी एनायन ले लेंगे। मतलब कहने का मतलब ये कि हम यहाँ पे कोई भी एक ऐसा कंसेंट्रेशन लेंगे जिसमें एम प्लस आयन मौजूद हो। इस रॉड का नाम क्या बोल रहे हैं? एम। ये एम है, ठीक है, ये मेटल रॉड है, ठीक है, ये एम है, ये मेटल रॉड हो गया और ये हमारा मेटल रॉड हो गया और ये हमारा एम प्लस का कंसेंट्रेशन हो गया, ठीक है। चलो अब मान लो हम ये बोल रहे हैं कि इस समय जो मेटल की टेंडेंसी है वो मान लो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन गिव, मान लो ये इलेक्ट्रॉन देता है, समझो बात को। इसकी जो टेंडेंसी है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है। अब सोचो अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो होगा क्या? यहां से एम प्लस एम प्लस एम प्लस यहां आने लगेगा, ठीक है ना। मान लो एन इलेक्ट्रॉन ये देता है, कितना इलेक्ट्रॉन देता है? एन इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे ना कि एम जो है, जो सॉलिड था पहले, जो मेटल रॉड था, वो एम एन प्लस चार्ज आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए? एन इलेक्ट्रॉन। एन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, फ्रैक्शन में मत ले लेना। एन हमेशा क्या लेना? इंटीजर। यहां पे एन क्या हो जाएगा? इंटीजर। तो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो वन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वन प्लस चार्ज आएगा, टू इलेक्ट्रॉन निकला तो टू प्लस चार्ज आ जाएगा, समझ आ रहा ना। तो इसलिए हमने एन ले लिया है, एक सिंपल सी बात की है हमने। तो देखो ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेशन। ये जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेशन। समझना, अच्छे से समझना। तो जैसे ही ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ, अब सोचो होगा क्या? ये एम प्लस तो टूट टूट के यहां आने लगा, सॉल्यूशन में आने लगा, मेटल रॉड धीरे 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 पतली होगी, समझो। एम प्लस जब इधर आने लगा तो मेटल रॉड धीरे धीरे पतली होगी, मतलब यहां पर क्या जमा होने लगा? इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या जमा होने लगा? इलेक्ट्रॉन। तो इसी इलेक्ट्रॉन को, जो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जमा होता था, उसी के कारण हम इसको क्या बोलते थे? निगेटिव रॉड। और याद करो, इसी को हम बोलते थे एनोड। अगर आपको याद है तो आपको हमने बताया था लोन, याद रखो ये हमेशा। एल का मतलब क्या होता है? लेफ्ट, लेफ्ट वाला। ओ का मतलब ऑक्सीडेशन होता है, ए का मतलब एनोड, और उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव रॉड। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। चलो तो ये निगेटिव रॉड, इसको हमने क्या बोला? एनोड। अब सोचो जब एम प्लस आयन बहुत सारे आ जाएंगे यहां पे, तो एम प्लस आयन क्या करेगा? इसको घेरना स्टार्ट कर देगा इस इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना। तो यहां पे है पॉजिटिव चार्ज और यहां पे है निगेटिव चार्ज। ये वाला जो रॉड है उस पर कौन सा चार्ज? यहां पे इलेक्ट्रॉन बच गया ना, तो इस पर हम लोग क्या बोल, इसको हम लोग बोल रहे हैं निगेटिव चार्ज। और इधर क्या जमा हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही बच्चों निगेटिव पॉजिटिव अगर एक जगह आते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। क्या जाता है? विभवांतर। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? विभवांतर। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ड्यू टू चार्ज सेपरेशन पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस विल क्रिएट विल
ठीक है ना। तो एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके और इसके बीच में, जो पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोल देंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी को हम क्या बोल देंगे, दिस पोटेंशियल डिफरेंस, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझना, अच्छे से समझना सब कुछ, क्या बोल देंगे हम लोग इसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना, दिख रहा है आपको ये बोर्ड में। चलिए एक और चीज बच्चों, ये कौन से प्रोसेस, मतलब ये जो चार्ज सेपरेशन हुआ है वो कौन से प्रोसेस के कारण हुआ, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बार बार दे रहा है ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, ओपी। ठीक है ना, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलो, या ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस का कारण हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओपी का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जब भी आज के बाद ओपी दिख जाए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जब भी हम ओपी लिखेंगे इसका मतलब है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ आपको ये बात, बहुत बढ़िया। तो आपसे कोई पूछेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो आप क्या बोलोगे, आपसे अगर कोई पूछा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आप क्या बोलोगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है किसके किसके बीच का, मेटल रॉड और इसका जो अपना आयन है, इसका जो अपना आयन है इलेक्ट्रोलाइट में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या है, दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म, दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन मेटल रॉड एंड इट्स आयन इन इलेक्ट्रोलाइट। किसमें है वो आयन, इलेक्ट्रोलाइट में है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, और ये प्रोसेस हम कब कर रहे हैं, ये जो हम लोग नाप रहे हैं वो कब है, इन इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम का मतलब कि जितना M प्लस गलना था, जितना मतलब M प्लस यहां पे आना था वो आ चुका है, और जितने इलेक्ट्रॉन यहां पे जमा होने थे वो हो चुके हैं। मतलब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम ले लिया है, यहां पे इक्विलिब्रियम आ गया है। क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, मतलब मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन निकलने थे वो निकल गए, और जितना चार्ज यहां पे जितना चार्ज क्रिएट हो सकता था वो हो गया, सही है। तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इट्स आयन इन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना, बहुत छोटी सी बात की है हमने कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो मेटल आयन और मेटल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सही है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, यहां पे क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन, इसीलिए हमने इसका एक और क्या नाम दिया कि दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है ना, अगर होता रिडक्शन तो इसी को हम क्या बोल देते, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको आप लिखो एग्जांपल वन करके। अब बात कर लेते हैं हम लोग एग्जांपल टू, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना, चलो तो अब हम लोग बात कर लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। मान लो हम जो कंटेनर ले रहे हैं उसमें जो हमने मेटल लिया, ठीक है, ये जो हमारा मेटल था जिसको हम एम से दिखा रहे हैं, और यहां पे क्या था, एम प्लस आयन। ठीक है, एम प्लस आयन यहां पे फैला हुआ है, एम एन प्लस आयन बोल रहे हैं हम। ठीक है, एन प्लस मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉन निकलना था वो निकल गया, एक निकला दो निकला, इसीलिए हम एन प्लस लिख रहे हैं। ठीक है ना, अब इस मेटल की टेंडेंसी है, मान लो कि यहां पर हम लिख दें कि जो हमारा मेटल की टेंडेंसी है ये अपनी होती है। देखो बच्चों, हर हर मेटल में या तो कोई मेटल ऑक्सीडाइज हो सकता है,
या कोई मेटल रिड्यूस हो रहा है तो उसकी अपनी एक टेंडेंसी होती है। इस पर आप सवाल नहीं उठा सकते कि सर ये क्यों हो रहा है, ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली, हम देखें तो ऐसा हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो जो मेटल की टेंडेंसी है मान लो रिड्यूस होने की टेंडेंसी है, ठीक है ना, क्या टेंडेंसी है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी है। पहले उस समय जो हम मेटल लिख रहे इलेक्ट्रॉन गिव लिखे थे, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था वहां पे हम बोल रहे थे कि वो मेटल की टेंडेंसी थी, मान लो इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी थी, क्या थी पिछले में जो हम लोग लिखे थे जहां पे हम इलेक्ट्रॉन गिव लिखे थे वहां पे आप क्या बोल सकते हो कि वो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है मान लो। तो बच्चों अगर मेटल की टेंडेंसी है रिड्यूस होने की तो होगा क्या कि Mn प्लस जो है मतलब 1 प्लस चार्ज 2 प्लस चार्ज जो भी है कितना चार्ज आया एन प्लस, तो कितना इलेक्ट्रॉन लेना होगा एन इलेक्ट्रॉन और लेना होगा और यहां से क्या बन जाएगा एम सॉलिड। मतलब हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो एम एन प्लस है, ये जो एम एन प्लस है वो यहां जाने लगा, कहां जाने लगा, यहां पे जाकर डिपोजिट होने लगा और इस रॉड से इलेक्ट्रॉन को खाने लगा, इस रॉड से क्या करने लगा इलेक्ट्रॉन को खाने लगा, मतलब यहां पर से यहां पर जो इलेक्ट्रॉन थे इस रॉड के अपने जो इलेक्ट्रॉन थे उसको खाने लगा। तो इलेक्ट्रॉन को खाने की वजह से इलेक्ट्रॉन को जब ये खाने लगा तो यहां पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, मतलब इस रॉड को हम क्या बोल देंगे पॉजिटिव रॉड, ये रॉड कौन सा हो जाएगा पॉजिटिव रॉड, याद करो इसी को हम बोलते हैं कैथोड। अगर मेटल की टेंडेंसी है रिड्यूस होने की तो हम क्या बोलते हैं मेटल रॉड को कैथोड, अगर मेटल की टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की तो मेटल रॉड को बोला जाता है एनोड, सही है ना, सिंपल है एकदम। सोचो ये एमएन प्लस यहां पे जाके डिपोजिट हो रहा है तो एमएन प्लस मतलब प्लस चार्ज किसको खाएगा माइनस को, तो इस रॉड के पास इलेक्ट्रॉन है वो उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इलेक्ट्रॉन को जैसे ही लिया तो यहां इस रॉड के पास इलेक्ट्रॉन निकलते चले गए, ठीक है ना। तो क्या बचा, क्या बच गया प्लस चार्ज मतलब प्रोटॉन्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो मतलब प्लस चार्ज थे वो प्लस चार्ज यहां पे हम दिखा रहे हैं, मतलब ये रॉड कैसा हो गया पॉजिटिव रॉड, ठीक है, ये रॉड हो गया पॉजिटिव और सॉल्यूशन कैसा हो गया नेगेटिव, क्यों, क्योंकि मान लो यहां पे मान लो MSO4 होता M2SO4 होता, मान लो क्या होता M2SO4, तो सारा M2+ मान लो अगर ऊपर चला गया तो यहां पे क्या बच जाता है SO4 2- ये बढ़ते जाता, मतलब यहां पे अगर प्लस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा नेगेटिव चार्ज, बड़ी आसान सी बात है। वैसे आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, आप ये सोचो कि ये वाला जो रॉड हो जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे पॉजिटिव रॉड, तो इसको हम बोल रहे हैं कैथोड, सही है। अब सोचो, अब फिर से वही बात, यहां पर सॉल्यूशन में क्या हो रहा है नेगेटिव चार्ज, सॉल्यूशन में हर जगह क्या हो रहा है क्योंकि सारा एम प्लस तो चला गया नेगेटिव चार्ज केवल बच रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हम जो इलेक्ट्रोलाइट लिए थे वो मान लो एम प्लस लिए थे, तो बाकी जो है आप एनायन तो लोगे ना, आप ऐसे थोड़ा ले सकते हो, आपको कुछ एक एनायन लेना होगा ना, कोई एक फॉर्म लेना होगा, तो मान लो हमने NO3 माइनस वाला ले लिया तो इसको हम मान लो MNO3 ले, मान लो हम ये लिए थे, तो जब सारा M प्लस चला जाएगा तो NO3 माइनस तो बचेगा ना और ये यहां पर बचा रह जाएगा, तो रॉड कैसी थी, रॉड हो गई पॉजिटिव क्योंकि यहां पर जो M प्लस जा रहा था वो किसको खाने लगा इलेक्ट्रॉन को, तो ये रॉड कैसी हो गई पॉजिटिव और नीचे सॉल्यूशन में फिर से कौन है नेगेटिव, तो इन प्लस और माइनस के बीच में फिर से इलेक्ट्रॉन डिफरेंस मतलब फिर से पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा, क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, तो यहां पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर Ms बन गया, मतलब यहां पे क्या हो जा रहा है रिडक्शन, यहां पे क्या हो जा रहा है रिडक्शन, ठीक है ना। तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, द पोटेंशियल डिफरेंस किसके किसके बीच में, इन बिटवीन मेटल रॉड, और यहां पे मेटल रॉड कैसा है, यहां पे मेटल रॉड है पॉजिटिव, यहां पे मेटल रॉड कैसा है पॉजिटिव रॉड है, पिछले वाले में क्या था नेगेटिव रॉड था, तो द पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन द मेटल रॉड एंड इट्स आयन एंड इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे लिख देते हैं इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा चार्ज है नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर से हम इसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इस बार जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो रिडक्शन की वजह से हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, समझ में आ रही आपको ये बात, जिसको हम बोलते हैं आरपी, क्या बोल देते हैं रिडक्शन पोटेंशियल आरपी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ओपी और रिडक्शन पोटेंशियल को हम क्या बोल देते हैं आरपी। ये बात क्लियर है आपको कि कैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होता है और कैसे रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, तो सिंपल सी बात है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होता है ऑक्सीडेशन की वजह से,
और रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है रिडक्शन की वजह से, ठीक है ना। हमेशा चार्ज, हमेशा जो डिफरेंस होता है चार्ज डिफरेंस, वो चार्ज डिफरेंस, चार्ज सेपरेशन किसके किसके बीच में होता है, मेटल रॉड के बीच में और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, मेटल रॉड के बीच में और जिसमें मेटल डूबा हुआ है, जिस सॉल्यूशन में डूबा हुआ है ना, उसी सॉल्यूशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, जिस सॉल्यूशन में डूबा हुआ है। तो दोनों के बीच में जो चार्ज सेपरेशन होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सही है ना। तो बच्चों आपको दो बात समझ में आई क्या, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है और रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है, ठीक है ना। जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड की अपनी जो पोटेंशियल है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है, ठीक है ना। या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो सकता है या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, रिडक्शन पोटेंशियल हो सकता है। सही है आपको ये बात, सही में आ रही है आपको ये बात, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा जाए चलिए नोट कर लो आप, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब कुछ कुछ जो होते हैं, कुछ कुछ जो मेटल रॉड होते हैं बच्चों, उनका न तो सब मेटल्स का, मतलब कुछ कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, इनर्ट मेटल बोलते हैं उसको हम लोग, क्या बोलते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं, कुछ होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, क्या होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब यह है कि मेटल रॉड का, या जो आप रॉड लोगे, ठीक है ना, जो आप रॉड लोगे, आप ऐसे बोलो, जो आप रॉड लोगे, पॉजिटिव रॉड या निगेटिव रॉड, जो भी आप बोल रहे हो, इनर्ट इलेक्ट्रोड हम लोग क्या बोलते हैं, कि वहां पर ना तो आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा उसका और ना ही रिडक्शन प्रोसेस होगा। मतलब कि रॉड का ना तो ऑक्सीडेशन होगा और ना ही रॉड का रिडक्शन होगा, ना ही ऑक्सीडेशन होगा और ना ही रिडक्शन होगा, ठीक है। कौन कौन से हैं उनके एग्जांपल, आप जैसे आप ले सकते हो, एक प्लेटिनम रॉड है, इसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट रॉड, ठीक है ना, इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। सही है, आपको ये बात समझ में आ रही है। ग्रेफाइट है, क्या है, ग्रेफाइट रॉड, ठीक है, ईटीसी। तो बच्चों कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रोड होते हैं जिनका ना तो ऑक्सीडेशन होता है ना ही रिडक्शन होता है, आगे देखेंगे हम लोग, बेसिक अभी तो बेसिक हम लोग डील कर रहे हैं, आगे जब ऐसे इलेक्ट्रोड आएंगे हमारे पास, प्लेटिनम रॉड वाले, ग्रेफाइट रॉड वाले, तो मैं आपको वहां पे इसके पूरे कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ठीक है ना। तो प्लेटिनम रॉड, ग्रेफाइट रॉड, इनका ना तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, क्या बोल देते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड, सही है। आगे बढ़ा जाए, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसके बाद अब जो आपको जानना है वो ये क्या जानना है, ठीक है, चलो देखो, हम ये बोले कि हमेशा हमारे पास एक सॉल्यूशन होगा और उस सॉल्यूशन में हमारे पास एक मेटल रॉड डिप होगा। ये हमारा मेटल रॉड था, ये हमारा क्या था, मेटल रॉड, जिसको हम M बोल रहे हैं, और यहां पे M प्लस का आयन होगा। जैसे मान लो हमने जिंक लेता, तो यहां जिंक का आयन मौजूद होता, मतलब यहां पे कौन रहेगा, Mn प्लस, यहां पे M प्लस का आयन होगा। समझना चाहिए, समझना, Mn प्लस लिख देते हैं हम, क्योंकि चार्ज एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग मेटल पे, किस पे डिपेंड करता है, अलग अलग मेटल पे। तो यहां पे हमने मेटल आयन ले लिया, यहां पे हमने क्या ले लिया, मेटल आयन, ठीक है, और यहां पे हमने क्या ले लिया, मेटल रॉड, मेटल रॉड को उसमें डिप कर दिया। अब सोचो, अब क्या है कि अगर मान लो हम अब बात कर रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट और मेटल रॉड के बीच में चार्ज डिफरेंस हुआ, उसकी वजह से जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, मतलब वो कब ज्यादा होगा, कम होगा, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो हमारा जो टॉपिक है अगला, वो क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सही है ना, नोट डाउन कर लो आप, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। अब सोचो, अलग अलग मेटल की कैपेसिटी, कोई मेटल हो सकता है ज्यादा ऑक्सीडाइज हो जाए, कोई मेटल हो जाए ज्यादा रिड्यूस हो जाए, मतलब समझ में आ रहा है ना आपको ये बात। कहने का मतलब ये है कि ये डिपेंड करेगा मेटल रॉड उसके आयन पे, किस पे डिपेंड करेगा, मेटल रॉड उसके आयन पे, कि मेटल रॉड हम कौन सा लिए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो यही होगी कि टाइप्स ऑफ मेटल रॉड एंड इट्स आयन। जैसे आप मान लो एग्जांपल लिए, जैसे मान लो आपने ले लिया जिंक, तो जिंक सॉलिड का मान लो जैसे ही इसको ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो जिंक 2+ एक्वस में क्रिएट हुआ और ये मान लो 2 इलेक्ट्रॉन,
तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ और होगा, क्योंकि जिंक की अपनी कैपेसिटी है ऑक्सीडाइज होने की। मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं आयरन, तो मान लो आयरन जैसे 3+ लेते हैं हम लोग, ये मान लो सॉलिड था, आयरन सॉलिड लिया और मान लो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, आयरन 2+ में क्रिएट हो गया और यहाँ पे एक्वस और ये मान लो 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग होगा। इसको मान लो हम बोल दे रहे हैं E1, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ भी मान लो E1, जैसे मान लो इसको हम बोल दे रहे हैं E1, इसको हम बोल दे रहे हैं E2, कुछ भी मान लो, ठीक है ना। मान लो हम लोग आयरन लेते हैं और यही आयरन मान लो Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है, तो यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जाता, तो इसको हम बोल दे रहे हैं E3, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ आयन पे भी डिपेंड करेगा कि किस तरह का आयन क्रिएट हुआ। अब देखो ऐसा नहीं है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक ही होगा, सब अलग अलग होंगे। जैसे ही आयन बदल गया या आप मेटल रॉड बदल दो तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बदल जाएगा, मतलब न तो E1 बराबर होगा E2 के और ना ही E3 के, मतलब कोई आपस में बराबर नहीं होंगे। पहली बात यही बोल रहे हैं कि टाइप्स ऑफ मेटल रॉड पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मेटल रॉड डिप कर रहे हो, अलग अलग मेटल रॉड का अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, आपको ये बतानी चाहिए, ठीक है ना। और उसके आयन पे भी डिपेंड करेगा, सेकेंड बात जो क्या है बच्चों इसमें, होगी कि और किस पे डिपेंड करेगा ये, तो सेकेंड बात डिपेंड करेगा ये कंसेंट्रेशन पे, किस पे, कंसेंट्रेशन पे। तो सेकेंड जो पॉइंट हो जाएगा उसका ये हो जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसेंट्रेशन ऑफ ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है जहां मेटल आयन रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी सॉल्यूशन को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। यहां पे मेटल आयन रहता है, जहां पे ये जो लिक्विड है ना, ये वाला लिक्विड जो, उसी को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। अब सोचो इसका कंसेंट्रेशन अगर 1 मोलर है तो हो सकता है ऑक्सीडेशन ज्यादा हो कम हो, 2 मोलर हो तो ज्यादा हो, मतलब जैसे जैसे आप कंसेंट्रेशन चेंज करोगे, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन प्रोसेस में भी चेंज होगा, ठीक है ना। मतलब आप कंसेंट्रेशन अगर बदलोगे यहां पे तो उससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बदलेगा, सही है, समझ आ रही आपको ये बात। तो कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी ये बात डिपेंड करती है, ठीक है ना। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टेम्परेचर, वो जो टेम्परेचर का रोल, जैसे आप सोचो मान लो टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आएगी, तो हो सकता है आयनाइजेशन प्रोसेस ज्यादा होने लगे। 11th याद है ना, हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर मान लो कोई भी हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर निकालने में जो एनर्जी खर्च होती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आप कितना टेम्परेचर दे रहे हो। मान लो हमने मेटल रॉड को बर्नर पे, एनर्जी ज्यादा मिलेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर कम होगा आयनाइजेशन कम होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा आयनाइजेशन प्रोसेस ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर क्या है। तो 3 फैक्टर है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बदलने वाले, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है, 3 फैक्टर पे, समझ आ रहा आपको ये बात, ठीक है ना। चलिए तो ये 3 फैक्टर आपके कंप्लीट हो गए, सही है। अब सोचो अब हमको क्या करना है, या तो हम इन 3 फैक्टर्स को चेंज भी कर सकते हैं या फिक्स भी रख सकते हैं, मतलब इस तरह से डीलिंग की गई कि हम ऐसे बोल दें, हम क्या बोल दें कि हम अगर कुछ चीजें फिक्स कर दें, ठीक है ना। मान लो बोल दिया गया कि हम जो यहां पर मेटल रॉड लिए थे, यहां पे जो हमारा कंसंट्रेशन था, यहां पे हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट था, यहां पे M+ आयन था और इसमें मेटल रॉड डिप था, ठीक है ना, यहां पे मेटल रॉड डूबा हुआ था, ठीक है। अब हम ये बोल रहे हैं मान लो कि यहां का जो कंसंट्रेशन है उसको हम बोल देते हैं 1 मोलर, कितना बोल देते हैं 1 मोलर, समझना चाहिए, समझना। अच्छा अगर मान लो कोई गैस हो बच्चों, गैस के लिए आपको अगर याद होगा तो गैस के लिए, जैसे मान लो कोई लिक्विड है, यहां पे क्या भरा हुआ, लिक्विड, ठीक है ना। तो लिक्विड के लिए हम क्या दिखाते हैं, कंसंट्रेशन। अगर कोई गैस होता तो गैस के लिए हम दिखाते हैं पार्शियल प्रेशर, क्या दिखाते हैं, गैस का अपना पार्शियल प्रेशर। तो बच्चों प्रेशर, अगर कोई गैस होता तब, ठीक है ना, अगर कोई गैस होता तब ये प्रेशर किसके लिए होता है, फॉर गैसेस के लिए, कि मान लो यहां पे कोई गैस हो तो फॉर गैस के लिए। तो सोचो कि प्रेशर हम कितना ले ले, 1 atm, या इसको आप 1 bar भी बोल सकते हो, क्योंकि 1 atm लगभग 1 bar के इक्वल होता है,
ठीक है ना। 1 ATM कितना होता है, 1 ATM अगर आपको याद होगा तो 1.01 bar लगभग इक्वल होता है ये, तो 1 bar ही बोलते हैं हम लोग। और टेम्परेचर कितना बोलते हैं हम, टेम्परेचर बोला गया है बच्चों 0 degree centigrade नहीं 25 degree centigrade। 25 degree centigrade मतलब कितना हो जाएगा 298 केल्विन। 273 में कितना जोड़ोगे 25, तो कितना हो जाएगा 298 केल्विन। अगर ये तीनों डाटा है, कभी बोल दिया मान लो, ये कभी भी बोल दिया कि अगर हम ये तीनों डाटा फिक्स करके बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये मतलब बोल दिया है हम कंसंट्रेशन फिक्स कर दिए 1 molar, प्रेशर बोल दिए 1 ATM या 1 bar, और टेम्परेचर कितना बोल दे रहे 25 degree centigrade। तो एट दिस कंडीशन ठीक है ना, इस कंडीशन पर क्या हो जाता है, इस कंडीशन पे बच्चों जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जो स्टैंडर्ड वर्ड लग जाता है ना, वो स्टैंडर्ड वर्ड बस ये बताता है कि कंसंट्रेशन 1 molar होगा, प्रेशर 1 ATM या 1 bar होगा, और टेम्परेचर कितना होगा 25 degree centigrade। कभी भी अगर आपको स्टैंडर्ड वर्ड मिल जाए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कहीं भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर आपको स्टैंडर्ड वर्ड मिल जाए, क्या मिल जाए, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कुछ भी मिल जाए, स्टैंडर्ड वर्ड जैसे ही मिल जाए ना, जैसे ही आपके पास स्टैंडर्ड वर्ड आ जाए, आप तीन बातें फिक्स कर लेना। क्या क्या, आपको तीन बातें याद होनी चाहिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही स्टैंडर्ड वर्ड आ जाए, तीन बातें फिक्स हो गई, क्या क्या, टेम्परेचर कितना होगा 25 degree centigrade, ठीक है ना, कंसंट्रेशन कितना होगा, कंसंट्रेशन होगा 1 molar, ठीक है, और प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा 1 ATM या 1 bar, ठीक है ना। ये बच्चों आप याद कर लो, लर्न कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ही स्टैंडर्ड वर्ड आ जाए, आप समझ लो कि टेम्परेचर 25 degree centigrade, कंसंट्रेशन 1 molar, और प्रेशर कितना हो जाएगा 1 ATM, सही है ना, बहुत बढ़िया। तो अगर हम ये तीनों कंडीशन फिक्स कर दें, तो हम क्या करेंगे कि अलग अलग मेटल रॉड का अलग अलग जो अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा था उसको हम नापे। हम क्या किए, हम प्रेशर, हम कंसंट्रेशन फिक्स कर दिए 1 molar, प्रेशर फिक्स कर दिए, और टेम्परेचर फिक्स कर दिए, और अलग अलग मेटल को डिप करवा के देखा जाने लगा अलग अलग उसके मेटल आयंस में, और सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया गया है। जिंक का, कॉपर का, सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या निकाल लिया गया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबका निकाल लिया गया है, सही है ना। और वही चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में आप देखोगे एक टेबल दिया हुआ है, तो वो हमेशा स्टैंडर्ड का दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है हर एक मेटल का, ठीक है। तो वो जो चार्ट है वो तीन चीजों को फिक्स करके बनाया गया है, कंसंट्रेशन 1 molar, प्रेशर 1 ATM या 1 bar, और टेम्परेचर कितना 25 degree centigrade। तो मैं बार बार जोर दे रहा हूं, स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब सिंपल सा है कि टेम्परेचर 25 degree centigrade, कंसंट्रेशन 1 molar, और प्रेशर 1 ATM। आगे बढ़ा जाए, चलो। तो बच्चों अगर हमारे पास अगर फिक्स चीजें आ जाए, क्या आ जाए, फिक्स चीजें, ठीक है, मतलब अगर हम ऐसे बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास कंसंट्रेशन, हमारे पास कंसंट्रेशन हो जाए 1 molar, समझना, कंसंट्रेशन क्या हो जाए 1 molar, ठीक है ना, प्रेशर कितना हो जाए 1 ATM, और टेम्परेचर कितना हो जाए 25 degree centigrade, अगर ये दिया हुआ है, तो इस समय जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। ये तीनों चीजें अगर फिक्स करते हैं, बट इफ या आप ऐसे लिख लो, इफ वन ऑफ देम इज चेंज्ड, कोई भी एक चेंज हो जाता है इन तीनों में से, कोई भी एक भी चेंज हो जाता है, तीनों को चेंज होना कोई जरूरी नहीं है, अगर इन तीनों में से कोई आप एक भी चेंज कर देते हो, देन इट इज सिंपल कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। अच्छा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बच्चों हम दिखाते हैं ई नॉट से, किसे दिखाते हैं, ई के ऊपर नॉट। स्टैंडर्ड का मतलब प्योर बोल सकते हो आप, जैसे आप सॉल्यूशन चैप्टर में याद करो आप नॉट फॉर्म क्या यूज करते थे, प्योर सॉल्वेंट के लिए आप नॉट लिखते थे ऊपर में, ई नॉट, ऊपर में जो बिंदु दे रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉट, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप बोल लोगे ई, तो ये फर्क है।
ई नॉट लिखा रहेगा मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब सिंपली आप क्या बोलोगे ई। इसमें फिक्स नहीं है, मतलब इसमें क्या है कि कोई भी प्रेशर भी कुछ हो सकता है, टेम्परेचर का भी कोई नहीं है, टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, और कंसेंट्रेशन भी बदल सकता है। तो ऐसा नहीं कि तीनों बदले तब होगा, तीनों में से कोई भी एक बदल जाए, इफ वन ऑफ देम इज चेंज, कोई भी एक चेंज हो जाए या तीनों चेंज हो जाए, इफ वन ऑफ देम इज चेंज और ऑल आर चेंज्ड देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सही मैं आपको ये बात, तब उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सोचो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने तरह का हुआ था, दो तरीके का। तो अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओपी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो सकता है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा स्टैंडर्ड यहां भी आ जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कैसे दिखाते हैं इसको, ऐसे दिखा दो ई नॉट और यहां पे लिख दो ऑक्सीडेशन। इसको कैसे दिखाते हैं, यहां पे ई नॉट और यहां पे लिख दो रिडक्शन नीचे में, ठीक है। अच्छा इसको क्या करोगे आप, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो तरीके का, सिंपल एक होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक हो जाएगा हमारा रिडक्शन पोटेंशियल। एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिखाना है तो क्या बोलोगे, ई और यहां पे ऑक्सीडेशन, नोटेशन समझो, यहां पे क्या बोल दोगे, रिडक्शन पोटेंशियल दिखाना है तो आप इसको दिखा दोगे, इसको दिखा दोगे ई और यहां पे रिडक्शन। देखो यही फर्क है, यही फर्क है हर चीज में, छोटी छोटी चीजें समझो, नोटेशन समझो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर नॉट नहीं लिखा हुआ है मतलब ये सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके का हो सकता है, या तो ऑक्सीडेशन वाला या रिडक्शन वाला, तो आपको बता देगा नीचे कि ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं कि रिडक्शन करवा रहे हैं। अच्छा वैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जब हम बात करें तो ऊपर में नॉट होगा, क्या होगा, नॉट होगा। तो ये भी दो तरीके का हो सकता है, या तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड का सिंपल सा बस में ये मतलब है कि ये तीनों चीजें फिक्स रहेगी, सही है ना ये बात। तो आपको बस ये पॉइंट याद रखना है, आप ये बस याद रखो कि स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड का बस मतलब है कि ये तीन चीज फिक्स हो गया। तो सवाल ऐसे बहुत बनते हैं, जब आपको केवल स्टैंडर्ड लिख देगा तो आपको समझना होगा कि तीन चीजें फिक्स है, सही है ना। चलिए तो ये हो गया आपका कंप्लीट, ये आपका ये डिस्कस हो गया हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। अब सोचो, अब हम क्या करवा लेते हैं कि हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। जैसे हम क्या बोलते हैं कि हम मान लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस करवाएं, हम मान लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस करवाएं, समझना। अगर मान लो बच्चों हम कोई ऑक्सीडेशन प्रोसेस मान लो करवा रहे हैं, ठीक है ना। अब सोचो आप हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो कि कोई एम सॉलिड था और वो मेटल रॉड जो है वो कन्वर्ट हो गया Mn प्लस एक्वस में और साथ में n इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ये प्रोसेस कौन सा हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये प्रोसेस कौन सा हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अगर ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है उस मेटल रॉड का, तो अगर हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना होगा तो हम देखो क्या लिखेंगे, ये हमारा देखो E, ठीक है, और M किस में बदल रहा है, समझो अच्छे से। पहले M था, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, जीरो, कोई चार्ज नहीं था। अब क्या हो गया, Mn प्लस, तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा है, हमेशा बढ़ता है उसी में ऑक्सीडेशन, देखो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना ही ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना ही रिडक्शन है। ये बात भी आप लिख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना ही ऑक्सीडेशन है, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना ही रिडक्शन है, ठीक है ना। ये छोटी सी चीज है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा है मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट घटा है मतलब रिडक्शन हुआ है। तो सोचो कि अगर हम कोई मेटल लेते हैं तो कैसे होगा, जैसे पहले जीरो चार्ज था, Mn प्लस में चला गया तो स्लैश, और किसमें चला गया, Mn प्लस में, कि क्यों किए हैं स्लैश, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जब हम दो कॉम्पोनेंट लेते हैं और वो कॉम्पोनेंट डिफरेंट फेज में हो, जैसे आप देखो सॉलिड फॉर्म में था और एक्वस फॉर्म में है, तो उनको सेपरेट करने के लिए एक वर्टिकल लाइन दी जाती है, तो एक हम वर्टिकल लाइन दे दिए, तो ये एम सॉलिड में था और किसमें कन्वर्ट हो गया, एक्वस में, ठीक है ना, तो बीच में वर्टिकल लाइन। अगर सेम स्टेट में होता तो बस एक कॉमा देते, क्या दे देते हम, कॉमा। तो एम से क्या कन्वर्ट हो गया बच्चों, Mn प्लस, ठीक है ना। और इसकी जो, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसी को हम क्या बोल देते हैं ऑक्सीडेशन, इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसको हम बोल देते हैं ओपी। समझो अच्छे से समझो, मान लो अगर हम ये दिख देते ई नॉट और यहां पे एम, ठीक है, और किसमें चला गया एम एन प्लस में, ये एक्वस फॉर्म था, ये सॉलिड फॉर्म था, ठीक है ना। तो इसी को जब जैसे ही नॉट आ गया तो आप इसको क्या लिखोगे स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, और यहां पे क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और यहां पे पोटेंशियल। तो जैसे ही नॉट फॉर्म आ जाता है जिसको हम बोलते हैं एसओपी ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब जैसे ही आपके पास ये नॉट आ गया, ये वाला निशान आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं नॉट। जैसे ही आ गया बच्चों आप समझ लो कि यहां पर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। स्टैंडर्ड लिखना जरूरी होगा, स्टैंडर्ड का मतलब है तीन बातें फिक्स हो गई, प्रेशर 1 एटीएम हो गया, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया गया होगा और कंसेंट्रेशन 1 मोलर लिया गया होगा, ये बात आपको आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब मान लो हम इसे रिडक्शन करवा दें, मान लो जैसे हम क्या करवा दें रिडक्शन, जैसे आप मान लो कोई हम मान लो रिडक्शन करवा दें, ठीक है, हम कोई रिडक्शन प्रोसेस करवा दें। जैसे रिडक्शन प्रोसेस में क्या होगा कि एम एन प्लस पहले एक्वस फॉर्म में था, ये इलेक्ट्रॉन लेने लगा और क्या बना दिया एम सॉलिड। देखो पहले चार्ज क्या था एन प्लस, अब चार्ज कितना हो गया जीरो। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना ही रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना ही क्या होता है रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना ही ऑक्सीडेशन होता है, ये बात लिखे थे अभी हम। तो यहां पे एन प्लस चार्ज और यहां पे क्या हो गया जीरो चार्ज, देखो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा अब क्या है सोचो, ये अगर हम मान लो ऐसे लिखे तो इसका हम कैसे लिखेंगे ई मतलब हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई मतलब क्या हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब क्या हो रहा है रिडक्शन, पहले क्या था एमएन प्लस तो लिख दिया एमएन प्लस, किस फॉर्म में था एक्वस फॉर्म में, ठीक है एक्वस भी लिख दिया, नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, स्लैश दिए किस में चला गया सॉलिड में एम में चला गया बस। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे रिडक्शन पोटेंशियल, इसको हम क्या बोल देंगे रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना, जिसको हम क्या दिखाएंगे आरपी, क्या दिखा देंगे आरपी। अगर हमको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए नोटेशन है ई, ई मतलब हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। अब रिडक्शन करवाना है तो सोचो स्टैंडर्ड दिखाना है मतलब यहां पर नॉट सही है। अच्छा पहले किसमें था एम एन प्लस में, तो एम एन प्लस में, फिर कहां चला गया एम मतलब सॉलिड में, तो पहले था एम एन प्लस में जो एक्वस फॉर्म में था और फिर किसमें चला गया सॉलिड फॉर्म में, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड रिडक्शन, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसको हम बोल देंगे एस आर। तो ये छोटी सी चीज है, छोटा सा नोटेशन है, ये नोटेशन बहुत यूज होता है, आपको ऐसे ही लिख के देगा हमेशा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। देखो यहां पे हमेशा लिख के देगा कहां से कहां जा रहा है, तो आप यहां से ये अंदाजा लगा लेना कि रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कभी भी अगर ये नॉट आ जाए फॉर्म, ये वाला नॉट लिखा रहा है, तो आपको वहां पे स्टैंडर्ड वर्ड यूज कर लेना है, बस सिंपल सी कहानी है। तो ये छोटी सी चीज थी जो आपको बतानी थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, और क्या है इसमें अब आगे, अगर ये आपको आ गया, ये अगर आप कंप्लीट समझ गए तो बच्चों अब आप सोचो कि सेल पोटेंशियल क्या होता है, मतलब कंप्लीट सेल का पोटेंशियल क्या होगा, कंप्लीट सेल का हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। अभी हम क्या निकाल रहे थे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। सेल में क्या होता है, जब सेल में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, दोनों होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन होता है ना, एक तरफ ऑक्सीडेशन होता है दूसरी तरफ रिडक्शन होता है, तो सेल का पोटेंशियल कितना होगा, कंप्लीट सेल का पोटेंशियल कितना होगा। तो बच्चों सेल पोटेंशियल हेडिंग क्या लगा लो आप, सेल पोटेंशियल, हेडिंग क्या लगा लो आप, सेल पोटेंशियल। समझना अच्छे से समझना, ठीक है। अच्छा अब क्या है आप सोचो सेल पोटेंशियल में सबसे पहले तो आप ये मान लो हम यहां पे एक चैम्बर बना लेते हैं, ये यहां पे हमारा मेटल रॉड है, ठीक है ना, यहां पे हमारा मेटल रॉड है और यहां पे हमें दूसरा चैम्बर, यहां पे हमारा दूसरा मेटल रॉड, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, यहां पे जो सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन जैसे मान लो हम यहाँ पे डेनियल सेल लिए थे ना, डेनियल सेल में क्या लिए थे, इसको जिंक ले लिए थे, तो ये मान लो जिंक है, ये वाला जिंक है और ये क्या हमारा कॉपर है, समझो एक तरह से, बस समझना है आपको। तो यहाँ पे जिंक 2+ है मौजूद और यहाँ पे कौन है, कॉपर 2+ मौजूद है, जिसका हम आयन लेंगे, हम जिसका रॉड लेंगे उसी का हमको आयन लेना होता है। अब सोचो होता क्या, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ये एनोड है, ये क्या हमारा बाई तरफ वाला कौन होता है, एनोड,
और दाई तरफ वाला क्या होता है? कैथोड। कैथोड कैसा होता है? पॉजिटिव रॉड। कैसा होता है? पॉजिटिव रॉड। और एनोड कैसा होता है? निगेटिव रॉड। ये छोटी छोटी चीजें जो हम पहले बता चुके हैं, ठीक है ना। अब सोचो होगा क्या कि ये जो एनोड है यहां से इलेक्ट्रॉन जमा हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? वायर के थ्रू यहां जा रहा है। कहां जा रहा है? वायर के थ्रू यहां जा रहा है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यहां कॉपर टू प्लस यहां पे डिपोजिट होता चला जा रहा है। ये कॉपर टू प्लस यहां डिपोजिट हो रहा है, और जिंक टू प्लस गल गल के यहां आ रहा है। यही प्रोसेस होता है ना एनोड और कैथोड में। तो ये हमारा कंप्लीट सेल है, जिसे हम सॉल्ट ब्रिज भी लगाए थे, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हम लोग किए थे। यहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहां पे हो रहा है रिडक्शन। तो यहां पर होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्रिएट और यहां पे होगा रिडक्शन पोटेंशियल क्रिएट। दोनों को मिला करके सेल पोटेंशियल कितना होगा? तो सेल पोटेंशियल कितना होता है? तो सेल पोटेंशियल अगर हम बोले तो किसी सेल का पोटेंशियल निकालने के लिए, ठीक है ना, इन दोनों का डिफरेंस यहां जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस कर देंगे तो सेल का पोटेंशियल निकल जाएगा। मतलब हम जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो सेल का डिफरेंस होगा, ठीक है ना, कंप्लीट। तो बच्चों सेल पोटेंशियल अगर आपको निकालना है तो यहां जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ, यहां जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ, दोनों को हम जोड़ते हैं। यहां मान लो 1 वोल्ट क्रिएट हुआ, यहां भी मान लो 1 वोल्ट क्रिएट हुआ, तो हम दोनों को जोड़ रहे हैं कि टोटल कितना क्रिएट हुआ, टोटल कितना वोल्टेज क्रिएट हुआ। तब सोचो हम सेल पोटेंशियल की बात करेंगे तो आप क्या लिखोगे? सेल पोटेंशियल हम ये लिखेंगे सिंपल कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ओपी लिखे हम, चलो लिखी देते हैं पूरा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका? ऑफ एनोड। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। इन दोनों को जोड़ दो, काम हो जाएगा। तो सेल पोटेंशियल का कैसे निकालते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। सही में आ रहा है आपको? सही है ना? चलिए अब बच्चों हमसे ये बोला, हम मान लो अच्छा ये जो सेल पोटेंशियल है ना, इसी को हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल इसी का नाम है। सेल पोटेंशियल को हम क्या बोल देते हैं? ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है ना। तो सेल पोटेंशियल को हम क्या बोल देते हैं? ईएमएफ। ईएमएफ को हम ई ऑफ सेल दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं इसको हम? ई ऑफ सेल से। तो बच्चों हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड दोनों को ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा हमारा? सेल का अपना पोटेंशियल। अब इसमें एक बात है, मान लो हमने दो बंदों का, ठीक है, ये आप लिख लीजिए, चलो हम फिर से लिखेंगे बाद में। आपको पहले एक बात समझा दें यहां से, ठीक है। जैसे मान लो हमने जिंक को हमने डिप्ड कर दिया जिंक टू प्लस के सॉल्यूशन में, मान लो, ठीक है। यहां पे हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारा जिंक टू प्लस है और ये हमारा जिंक रॉड है, ठीक है। अब समझो जिंक रॉड को हमने यहां डिप कर दिया। अब हमने उससे पूछा, मान लो दो लोग थे, एक था मान लो मोहन और एक था मान लो सोहन। हमने दो लोगों से पूछा, हमने पूछा भाई बताओ कि इसकी सेल पोटेंशियल क्या है? जिंक रॉड की सेल पोटेंशियल क्या है? मतलब इसकी अपनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? जिंक रॉड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है हम ये पूछे। व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये लिखोगे सारी बातें आप, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ जिंक, हमने ये सवाल किया। अब मोहन जो है वो क्या किया? वो स्टैंडर्ड, हम मान लो स्टैंडर्ड वाला पूछे थे, क्योंकि स्टैंडर्ड वाला निकालना आसान है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, मतलब हम ई नॉट ऑफ जिंक निकालना चाहते हैं, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं जिंक के लिए। अब सोचो मोहन गया लैब में, स्टैंडर्ड निकालना था, तीन चीजें फिक्स किया, क्या क्या? प्रेशर फिक्स किया 180 एम, टेम्परेचर फिक्स किया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, कंसेंट्रेशन 1 मोलर, ये तीनों चीजें फिक्स करके वो निकाला और बोला कि सर इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है वो आ रहा है -0.76 वोल्ट। सोहन निकाला तो सोहन बोला कि नहीं सर, मोहन गलत निकाला है, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है वो तो आ रहा है 0.76 वोल्ट। देखो डाटा दोनों का इक्वल आ रहा था,
लेकिन बस पॉजिटिव और निगेटिव का फर्क, इसका आ रहा था पॉजिटिव में, इसका आ रहा था निगेटिव में। तो जब एक्सपेरिमेंट किए हम लोग तो क्या पता चला कि मोहन जो निकाला है, जो मोहन निकाला है वो रिडक्शन वाला निकाला है, और सोहन जो निकाला है वो ऑक्सीडेशन वाला निकाला है। मतलब मोहन किसके लिए निकाला है? मोहन जो है वो रिडक्शन, वो रिडक्शन, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल निकाला है। हम बोले ना कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके का हो सकता है, रिडक्शन वाला भी और ऑक्सीडेशन वाला भी। मतलब मोहन क्या निकाला है? मोहन निकाला है, मोहन जब निकाल रहा था तो वो एक्सपेरिमेंट देखो इस तरह का किया है, रिडक्शन पोटेंशियल निकाला है। रिडक्शन का मतलब कि जिंक पहले 2+ इलेक्ट्रॉन रखा होगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन ले करके क्या बन रहा होगा, जिंक सॉलिड बन जा रहा होगा। इसी को तो बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। मतलब इस वाले के लिए वो निकाला है -0.76 वोल्ट, समझना अच्छे से समझना। और सोहन जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लिया। क्या निकाल लिया? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लिया। मतलब ये जो निकाला है वो किसके लिए निकाला है कि जिंक जो पहले सॉलिड था वो टूट करके बना दिया जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है आपको ये बोर्ड में? बहुत बढ़िया। तो एक निकाला रिडक्शन पोटेंशियल, तो पता चला कि दोनों जस्ट अपोजिट है। मतलब जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ रहा था रिडक्शन पोटेंशियल भी उतना ही आ रहा था, बस निगेटिव साइन का अंतर था। मतलब एक प्लस में आ रहा था एक माइनस में आ रहा था, समझना। तो यहां पर जो मोहन निकाला वो क्या निकाला था? वो SRP निकाला, स्टैंडर्ड रिडक्शन, इनॉट है ना तो स्टैंडर्ड लिखना भूल गए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और ये क्या निकाला? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये निकाला SRP और ये निकाला SOP। तो यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमको समझ में आई। क्या समझ में आई? कि किसी भी मेटल रॉड के लिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नोट करके आप लिखोगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या? कि जो हमारा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है किसी के लिए भी, जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, उसी का माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। मतलब कभी भी अगर आप किसी भी मेटल रॉड का SOP निकाल लो तो SRP भी निकाल लोगे, बस माइनस कर दो। अच्छा, अगर हम स्टैंडर्ड टर्म को हटा दें तो किसी भी मेटल रॉड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होता है। OP का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और RP का मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको नोट करके लिखनी है। SOP इक्वल टू माइनस ऑफ SRP और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू, हम क्या बोल सकते हैं, माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। सही है ना? ये बात आपको समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हमने अभी EMF अपसल क्या पढ़ा? हमने बोला था कि EMF अपसल क्या होता है। तो EMF अपसल हमने ये बोला था, EMF ऑफ सेल किसी भी सेल के लिए, किसी भी बैटरी के लिए जब EMF, जब हम उसका अपना EMF निकालते हैं तो EMF किसके बराबर आया था? हम ये बोले कि हम ई ऑफ क्या लिख देंगे, ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये कहां हो रहा था, ऑन एनोड पर, कहां हो रहा था, एनोड पर, प्लस ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, और ये कहां हो रहा था, कैथोड पर। एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को जोड़ देंगे तो कंप्लीट इलेक्ट्रोड, कंप्लीट सेल का पोटेंशियल आ जाएगा अपना। सही है? तो ये हमारा था जी, जो हमने पीछे बोला था कि किसी भी EMF ऑफ सेल, किसी भी बैटरी के लिए, डेनियल सेल हो, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड को ऐड कर देंगे, उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐड अप करने से EMF कंप्लीट सेल का EMF आ जाएगा, कंप्लीट सेल का EMF आ जाएगा। ठीक है ना? तो अब इसको बुक में ऐसे नहीं लिखता है, तो आपको भी ये याद नहीं करना है, आपको क्या याद करना मैं बता रहा हूं। सोचो अगर हम मान लो ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है एनोड का, उसका हम रिडक्शन पोटेंशियल लिखना चाहें, तो अभी भी हम जस्ट पीछे पढ़े कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं यहां से कि EMF ऑफ सेल, मतलब ये इसके इक्वल टू, मतलब इक्वल टू बराबर, और यहां हो जाएगा माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है? माइनस ऑफ
ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ही उल्टा हो जाता है, माइनस के साथ हम लिख सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, और साथ में यहां पे है प्लस ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। हमने ऐसा क्यों लिया वो भी हम बताते हैं आपको समझना, ठीक है ना। तो यहां से आप क्या बना लोगे, तो यहां से जो ईएमएफ आ जाएगा, यहां से जो ईएमएफ ऑफ सेल आ जाएगा, वो ईएमएफ ऑफ सेल आ जाएगा बच्चों इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड का। इसको हम आगे लिख रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये प्लस में इसीलिए माइनस वाले को इधर भेज देते हैं, तो माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। तो आप यहां ऐसा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि ईएमएफ ऑफ सेल बराबर ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। अच्छा, आपको हमेशा क्या लिखना है, रिडक्शन पोटेंशियल, हमेशा क्या लिखना है, रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, देखो मोहन और सोहन तो दोनों निकाल के आए थे जिंक की जब वो चर्चा किए थे, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकाले थे और रिडक्शन पोटेंशियल भी निकाले थे, तो हमको कंफ्यूजन हो रहा था बार बार, हम किसी मेटल रॉड को मेटल रॉड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते थे, तो वहां पे क्या हो रहा था कि हमको एक बार प्लस में आ जा रहा था डाटा, एक बार माइनस में, क्योंकि कोई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल ले रहा था और कोई निगेटिव और कोई रिडक्शन पोटेंशियल निकाल ले रहा था, तो बस दोनों साइन में उल्टे थे, वैल्यू तो एक ही थी। तो आईयूपीएसी क्या बोल दिया, ठीक है ना, आईयूपीएसी जो सारे रूल्स को फॉलो करवाता है केमिस्ट्री में, ठीक है ना, अलग अलग रूल देता है ये अपना आईयूपीएसी, आपको पता ही होगा ये चीज। तो आईयूपीएसी क्या बोला कि किसी भी मेटल रॉड को हम उसका रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, कौन सा लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। अच्छा, अगर स्टैंडर्ड वाला लेना होगा तो, अगर हमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेना होगा तो हम उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, ठीक है ना। मतलब हम हमेशा किसी भी मेटल रॉड का रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, क्या लेंगे, मतलब आपको जैसे कोई पूछा, आपसे कोई पूछा कि बताइए कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, समझना, आईपीएससी के अनुसार ये चीज आप लिख लिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। आपसे कोई पूछा, जैसे आपसे मैं एक सवाल ऐसे दे देता हूं, लिख भी लेना आप उसको, ठीक है, आईपीएससी के अनुसार क्या बोला गया, आपसे जैसे कोई पूछ दिया कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, ये पूछ दिया आपसे। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कंफ्यूज हो गए कि आप सोचे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी और रिडक्शन पोटेंशियल भी, तो हमसे कौन पूछा है वो, तो वही आईपीएससी बोल दिया कि आपसे कोई भी मेटल रॉड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछे तो आप हमेशा रिडक्शन वाला बताओगे, कौन बताओगे, रिडक्शन वाला बताओगे। मींस आईपीएससी फिक्स कर दिया है, ये फिक्स कर दिया है आईपीएससी, क्या फिक्स कर दिया है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन वाला लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे। अच्छा, अगर मान लो स्टैंडर्ड वाला लिखते तो, अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हमको लिखना होता तो हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालते, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाले को बोलते, ठीक है ना। तो ये चीजें फिक्स कर दी गई है आईपीएससी के द्वारा, ठीक है ना। तो जिंक का दो वैल्यू आ रहा था, ठीक है, जिंक 2 प्लस से जिंक बन रहा था, देखो यहां क्या हो रहा है, 2 प्लस से जिंक में बन रहा है, तो मतलब यहां पे रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन वाला हमारा जो वैल्यू था वो था -0.76 वोल्ट, ठीक है, मान लो ये वैल्यू था, और ये जिंक जो है अगर मान लो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ई ऑफ जिंक से बन गया जिंक 2 प्लस, ये मान लो ऑक्सीडाइज, ये वैल्यू आ रहा है 0.76 वोल्ट। आपसे पूछा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा -0.76 वोल्ट। आपको रिडक्शन वाला लेना है, कौन सा लेना है, रिडक्शन वाला, ठीक है ना। अगर स्टैंडर्ड पूछा है तो यहां पे हम नोट लगा देंगे बस, तो रिडक्शन वाला अगर पूछ, मतलब आपको हमेशा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही लेना है, यह आईपीएससी फिक्स करके गया है, ठीक है। तो आपको ईएमएफ ऑफ सेल क्या निकल के आ गया, ईएमएफ ऑफ सेल आ गया ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, और हमेशा हम क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, हमेशा क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये छोटी सी चीज थी, ये कंप्लीट थ्योरी हमारा खत्म होता है, ठीक है ना, ये कंप्लीट थ्योरी हमारा खत्म होता है। अब बाकी का जो एक दो सवाल कर लेते हैं हम लोग, जैसे मान लो
आज का जो पहला सवाल है बच्चों, ठीक है, आज का जो पहला सवाल है वो है सवाल नंबर वन। सवाल नंबर वन में क्या बोल रहा है हमसे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड आज हम यही निकाल रहे हैं, अगर हम कंसेंट्रेशन सब बदलने लगेंगे ना तो वो नेक्स्ट इक्वेशन में पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और हमारे पास डाटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि निकेल से बन रहा है निकेल 2+ एक्वस, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। अच्छा इधर वाला एनोड होता है, उधर वाला कैथोड, ये सब बता चुके हैं पहले। अच्छा यहाँ पे बोल दिया है 1 मोलर है, देखो ये लिख दिया स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब फिक्स हो गया ना कि ये 1 मोलर है, प्रेशर फिक्स है, कंसेंट्रेशन 1 मोलर हो गया, टेम्परेचर ये फिक्स है, सब कुछ बराबर, क्या बोलना, ठीक है ना। अच्छा और क्या है, एजी, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एजी प्लस से बदल जाता है एजी में, ये भी कितना है 1 मोलर एक्वस फॉर्म, ठीक है, ये दिया हुआ है हमारे पास। अच्छा और क्या बोल रहा है हमसे, और हमसे बोल रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जिंक दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे जिंक दिया हुआ है, जिंक से जिंक 2+, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या है, हमसे सवाल बोल, हमसे बोल रहा है कि इनॉट ऑफ जिंक कन्वर्ट हो जा रहा है जिंक 2+ में, और उसकी वैल्यू की है 0.76 वोल्ट, ठीक है। अच्छा और इनॉट ऑफ एजी कन्वर्ट हो जा रहा है एजी प्लस में, सही है ना, कि एजी प्लस एजी में, एजी प्लस एजी में, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 0.80 वोल्ट। हमसे पूछा फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल, फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल, कि सेल का ईएमएफ कितना है, टोटल ईएमएफ कितना है ये बताइए। अब सोचो आपको क्या याद रखना है, आपको पता है आप अगर इसका सॉल्यूशन करने जाओगे तो सॉल्यूशन तो बड़ा आसान है, आप क्या बोलोगे कि ईएमएफ जो होता है वो इनॉट, मतलब हमसे स्टैंडर्ड वाला पूछा है ना, तो इनॉट ऑफ कैथोड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है ना, स्टैंडर्ड हमसे पूछा है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की बात कर रहा है वो, तो इनॉट ऑफ, यहां पे इनॉट वाला ही है ना, तो इनॉट ऑफ कैथोड माइनस इनॉट ऑफ एनोड, स्टैंडर्ड वाला नहीं पूछता तो नॉट नॉट नहीं लिखते, सिंपल सा मतलब है। अच्छा ये भी कौन आ रहा है, यहां पर जो ई सेल आ रहा है वो भी स्टैंडर्ड वाला आ रहा है, सिंपल मतलब ईएमएफ लिखो या इनॉट सेल लिखो एक ही चीज है। अच्छा ये कैथोड माइनस एनोड, अच्छा यहां भी लिखना है रिडक्शन पोटेंशियल और यहां भी लिखना है आपको रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो डाटा, डाटा इंपॉर्टेंट है कैसे रखेंगे, देखो कैथोड किसको बोलेंगे, आपको पता होगा एनोड होता है लेफ्ट साइड, लोन छोटी छोटी चीजें हैं, लोन लेफ्ट, ऑक्सीडेशन होता है एनोड, देखो यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, जीरो से कहां जा रहा है +2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो लेफ्ट ये वाला एनोड है, ये वाला क्या है एनोड है, तो इसका हमको रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। जिंक क्या है, ये हमारा बन गया एनोड, जिंक हमारा क्या है एनोड, जिंक हमारा क्या है एनोड, और जो दाईं तरफ है एजी, एजी हमारा क्या बन गया है कैथोड, समझना, तो आपको दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। अब देखो ये क्या दिया हुआ है कैसे पता चलेगा, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है, ध्यान से समझो, जिंक से कहां जा रहा है जिंक 2+ में, जिंक से कहां जा रहा है जिंक 2+ में, मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, समझना ये क्या दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, क्योंकि क्योंकि ये पहले जीरो में था +2 में जा रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है 0.76 वोल्ट। हमको हमको यहां पे एनोड का क्या रखना है रिडक्शन पोटेंशियल, अगर हमको रिडक्शन पोटेंशियल रखना है तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे इसका उल्टा रखेंगे। अच्छा पहले कैथोड वाला रख ले, अच्छा कैथोड में क्या बोला है रिडक्शन पोटेंशियल, देखो यहां क्या हो रहा है, अब कैसे पता चलेगा ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल, तो आप रिएक्शन देखो, एजी प्लस किसमें जा रहा है एजी में, पहले +1 में था अब 0 में चला गया मतलब रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल, तो हमको यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल ही रखना है तो रख देंगे 0.80 वोल्ट, ठीक है ना। अच्छा फिर माइनस रख देंगे, अच्छा यहां पे एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल हमको रखना है, दिया हुआ क्या है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का माइनस ऑफ होता है रिडक्शन पोटेंशियल, मान लो कोई अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो उसका हम माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे लिख सकते हैं, मतलब माइनस का बस हेर फेर होता है, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, अगर हमको एसआरपी लिखना है तो माइनस ऑफ एसआरपी लिख देंगे, तो मतलब यहां पे हम लिख देंगे माइनस ऑफ 0.76,
सिंपल है, दोनों एड अप हो जाएगा, तो 0.80 प्लस 0.76, तो ये 6 और 8 7 15, ठीक है ना, दो अंक, तो 1.56 वोल्ट आंसर, सिंपल सही है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं फटाक से, सही है ना, बहुत बढ़िया, अगला सवाल, ठीक है। सवाल नंबर टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, हमको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया हुआ है सब सारी चीजों का, क्या दिया हुआ है, क्रोमियम जाता है क्रोमियम 3+ में, शॉर्ट ब्रिज लगा हुआ है, और एजी प्लस से ये जाता है एजी में, ये भी 1 मोलर और ये भी 1 मोलर, मतलब जहां पे एक्वा सॉल्यूशन 1 मोलर, मतलब ऐसे भी आप तो स्टैंडर्ड टर्म देख ही रहे हो ना। अच्छा, इसके बाद क्या दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है, क्या डाटा दिया हुआ है कि E0 ऑफ क्रोमियम 3+ से क्रोमियम, 3+ से क्रोमियम कितना दिया हुआ है इसका, -0.74 वोल्ट, ठीक है, -0.74 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, E0 ऑफ Ag से Ag प्लस, अच्छा कितना दिया हुआ है, -0.80 वोल्ट। हमसे पूछा फाइंड E0 ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल बताइए, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल बताइए, सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ कितना है। अब फिर से वही बात, लेफ्ट हैंड में ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ये एनोड है और ये कैथोड है, हमारा जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन में हम जो E0 सेल निकालते हैं, E0 सेल का फॉर्मूला क्या होता है, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, सिंपल सा फॉर्मूला पकड़ के चलना है, बस ये सिंगल सा फॉर्मूला, जब भी E0 ऑफ सेल निकालना हो तो E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। अच्छा, कैथोड कौन है, तो कैथोड उसको बोलते हैं जो राइट हैंड साइड में रहता है, राइट हैंड साइड में कौन है, एजी, तो एजी पे आते हैं। अब यहां पे देखो, अब ये क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की रिडक्शन पोटेंशियल, तो पता चलेगा यहां से पहले एजी था, पहले क्या था, एजी था, अब एजी प्लस में चला गया, ऑक्सीडेशन स्टेट तो इंक्रीज कर गया ना, ठीक है ना, तो ये तो ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, हमको हमेशा क्या रखना होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, आईपीसी बोला है हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लीजिए आप, ठीक है ना, तो हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, और यहां पे दिया हुआ है ऑक्सीडेशन वाला, तो इसका उल्टा ले लेंगे, अगर ऑक्सीडेशन का कितना है -0.80 वोल्ट, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0.80 वोल्ट, सही है, वोल्ट को नहीं लिखते हैं, ठीक है, फिर माइनस दिया हुआ है, माइनस लिख लिया हमने। अब एनोड की तरफ आते हैं, तो देखो एनोड कौन है, क्रोमियम, अब हमको यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, अब दिया हुआ क्या है देखते हैं, क्रोमियम 3+ में किस में गया है, क्रोमियम में, तो यहां पर 3+ से क्रोमियम में चला गया, मतलब 3+ से 0 में चला गया, 3+ से 0 में, तो यहां रिडक्शन हो रहा है, हमको रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, तो क्या रख देंगे, -0.74 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 8 7 15, तो 1.54 वोल्ट आंसर, खत्म सवाल, सही है ना, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा आपको ये बात। अब बस यहां से देख लो, डाटा देख लो कि क्या हो रहा है, ये आपका दिया हुआ था रिडक्शन पोटेंशियल, तो हमको रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना था, ये वाला भी हमको दिया हुआ, देखो ये वाला हमको दिया हुआ था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्यों, क्योंकि पहले एजी 0 में था, अब +1 में चला गया है, प्लस लिखा हुआ मतलब +1 चार्ज हो गया है, मतलब ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन वाला है, तो ऑक्सीडेशन का ये दिया हुआ है यहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखो भले एजी कैथोड है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, लेकिन हमको फंसाने के लिए क्या किया, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देकर रख दिया, तो हम क्या करेंगे, हम रिडक्शन पोटेंशियल में पहले कन्वर्ट करके उसको पुट करेंगे, सिंपल सी बात है। चलो तो लास्ट सवाल आज का लास्ट सवाल, फिर लेक्चर को खत्म करते हैं हम लोग, तो आज का लास्ट सवाल लेते हैं बच्चों, है हमारा डेनियल सेल के लिए, हमको निकालना है फाइंड E0 सेल ऑफ डेनियल सेल, ठीक है ना, E0 मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल दिया हुआ है, ये निकालना है किसका, डेनियल सेल का। अच्छा, और क्या है, हमसे बोल दिया है कि E0 ऑफ जिंक 2+ से जिंक -0.76 वोल्ट, ठीक है ना, -0.76 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, और E0 कॉपर 2+ से कॉपर
कॉपर, और ये कितना दिया हुआ है 0.34 वोल्ट, ठीक है। और हमसे सेल रिएक्शन दिया हुआ है, सेल रिएक्शन क्या बोला है कि जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है जिंक 2+ में सॉल्ट ब्रिज, बीच में यहाँ पे एक्वस 1 मोलर दिया हुआ है, 1 मोलर लिखा हुआ है यहाँ पे कि 1 मोलर है, 1 मोलर लिख दिया मतलब सिंपल है ना, ऐसे भी स्टैंडर्ड टर्म दिया है, स्टैंडर्ड मतलब यहाँ सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर ही होगा, और यहाँ पे कॉपर 2+ एक्वस फॉर्म में, यहाँ पे 1 मोलर सॉल्यूशन, और ये किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है कॉपर सॉलिड में, मतलब ये वाला एनोड है इधर वाला और ये कैथोड है, यही तो होता है डैनियल सेल। पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं बड़े अच्छे तरीके से, डिटेल एनालिसिस किए हैं इस पे हम लोग। तो अब हम फिर से वही बात करेंगे, हमसे ईएमएफ ऑफ सेल पूछा है, हम सॉल्यूशन पे आते हैं, हमको पता है कि ई नॉट ऑफ सेल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड क्या लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल और माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। यहां भी क्या लेना होता है, रिडक्शन पोटेंशियल हम लेते हैं, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल है दोनों का, भले जो भी हो वो तो अलग बात है। अब देखेंगे कैथोड कौन है, देखो राइट हैंड साइड में कौन है, कॉपर, तो ये हो गया हमारा कैथोड, ये हमारा क्या हो गया कैथोड, तो कॉपर कैथोड है और ये जिंक एनोड है क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है। सेल रिप्रेजेंटेशन याद है ना आपको, हम पढ़ाए हैं पिछले लेक्चर में, इसीलिए तो पढ़ाया ताकि आप सवाल कर सको। तो ये जिंक आपका हो गया एनोड और ये हो गया आपका कैथोड, ठीक है। अब हमको कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल रखना है, अब सोचो क्या दिया हुआ है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, सोचो। पहले कॉपर किसमें था, 2+ में, किसमें चला गया कॉपर में, मतलब 2+ से 0 में चला गया, रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ 0.34, तो 0.34 वोल्ट रख दिया हम लोग, डायरेक्ट जो दिया हुआ था वही रख दिए, क्यों, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ था। कैसे पता चला, क्योंकि कॉपर 2+ कॉपर में चला गया था, मतलब रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, तो उसी का पोटेंशियल दिया हुआ है 0.34 वोल्ट। अच्छा, हमको यहां पे एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल रखना है, एनोड कौन है, जिंक। अब देखो यहां पे कैसे पता चलेगा कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, प्रोसेस, पहले जिंक 2+ था, अब किसमें चला गया, जिंक में, इसका मतलब फिर से यहां पे देखो, यहां जिंक 2+ से जिंक में गया है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट घटा है ना। देखो सेल, सेल से मत सोचो, सेल तो रिप्रेजेंट करता है कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, सवाल में क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये आपको देखना होगा, क्योंकि दोनों का हमको रखना होता है रिडक्शन पोटेंशियल। सेल से तो बस हम ये पता करते हैं कि कौन एनोड है और कौन कैथोड है, बस इतना ही काम होता है सेल का। क्या काम होता है कि सेल रिप्रेजेंटेशन जो दिया हुआ होता है उससे बस ये बात पता चलती है कि कौन एनोड है, जो बाई तरफ है एनोड और दाई तरफ कैथोड। बाकी डाटा तो हम यहां से निकाल रहे हैं कि वो क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान से देखो 2+ से किस में जा रहा है, 0 में, मतलब ये भी क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल, यही रखना है, उठा के रख दो, माइनस वाला माइनस उतार देते हैं, और इसको कितना रखेंगे, माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट, तो ऐड कर दोगे तो 4 और 6 10 हो जाएगा, 0 और 7 3 10 और 1 11, तो 1.1 वोल्ट। डेनियल सेल का बड़ा इंपॉर्टेंट, याद रखो आप ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखो डेनियल सेल, डेनियल सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल जो होता है, ईनोट सेल का जो वैल्यू आता है 1.1 वोल्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद भी रखनी है डायरेक्ट, कम से कम डेनियल सेल का याद रखो आप, ठीक है ना, सही है। तो ये कुछ छोटे मोटे सवाल थे, तो लेक्चर आई थिंक 1 घंटे पार गया होगा, तो बच्चों आप पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो, तो आई थिंक आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, बेस्ट ऑफ लक।